हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ। सारे बच्चे जल्दी से एक बार ही वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो ये 25 out of 25 आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें वेटेज बहुत ज्यादा होता है साइंस का। इसके साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। टेलीग्राम का चैनल है वर्षा सिंह ऑफिशियल, तो सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको क्लासेस की अपडेट एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से पहले लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जिस भी बच्चे ने अब तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। 26 जनवरी से आपकी सफलता बैच शुरू हो रहा है, तो सभी बच्चे इस बैच में एनरोल कर लेना। जिसके पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन है और जिसके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो प्लस में जल्दी से जल्दी एनरोल कर ले। आइकॉनिक फीचर्स के क्या बेनिफिट है? यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है डाउट सॉल्विंग के अंदर और लाइव क्लासेस के अंदर। आज का डाउट मैन अकेडमी, आपके जो भी डाउट है, अपन अकेडमी के ऐप पे जाकर के डाउट एंड सॉल्यूशन में जाकर के अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए अन अकेडमी पे स्टार्ट हो चुकी है, जो कि फ्री है। तो आप सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास टाइमिंग एंड डेज यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को समझ पाए, देख पाए कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना सही कर रहे हो उसमें से, कितना गलत कर रहे हो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये फ्री है। रेज हैंड, जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने टीचर से अपने डाउट को डिस्कस करते हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पे भी लाइव क्लास के दौरान अपने टीचर से अपने डाउट को डिस्कस कर पाएंगे, जितने भी सब्सक्राइबर है प्लस के वो। अगला कॉम्बेट आपका 30 जनवरी को होगा, ये मेगा कॉम्बेट रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा और दिन में 12 बजे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को कॉम्बेट होता है, लेकिन इस बार आपका मेगा कॉम्बेट है, जो कि 60 क्वेश्चंस का होगा और 60 मिनट ही ड्यूरेशन है। कॉम्बेट में आपको 1 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राइज है। इसके साथ ही साथ आपके क्वेश्चन सारे टॉप एजुकेटर के द्वारा फ्रेम किए गए हैं, और इसमें आपको अपनी लाइव रैंकिंग पता चलेगी, लाइव स्कोर आपको पता चलेगा, और 500 लक्की पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे प्राइजेस जीतने का मौका है, जैसे कि वो मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, अमेजोन का वाउचर जीत सकते हैं। बस आप जब भी इसमें इनरोल करें, तो आप मेरा कोड वर्षा यूज़ करें, जिससे कि आप फ्री में इनरोल हो जाएं। आप में से जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन ले ले। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 12 या 24 महीने का प्लान ले, क्योंकि 12 और 24 महीने का जो प्लान है, वो आपको बाकी प्लान से सस्ता पड़ेगा, जो उसकी पर मंथ कॉस्ट है। और मेरा कोड वर्षा यूज़ करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी, जो कि कल से लेकर के यानी तक 27 जनवरी तक आपके लिए एक ऑफर आया है, वो न्यू रिपब्लिक डे ऑफर है, जिसके तहत अगर आप 25 से 27 के बीच में 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी 25 से 27 के बीच में सब्सक्राइब कर ले प्लस को, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करें जनरल साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स के लिए रहेगा ये आपके। पहला क्वेश्चन देखिए, एज अ वेजिटेबल प्रिजर्वेटिव पॉली डैश फॉर्म इज यूज, सब्जी परिरक्षक के रूप में पॉली डैश फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरेथेन्स, ऑप्शन बी यूथेन, ऑप्शन सी यूरेथिनीज या ऑप्शन डी यूरेथेन्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पेलिंग का फर्क है। कमेश गुड इवनिंग, राकेश यही क्लास है, अगली क्लास अब कल होगी दिन में 1 बजे। सारे बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरुण का आंसर आ रहा है डी, एंड अरुण आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज एन एल्केली, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर टू,
अनिशा दास, आपका आंसर गलत था। परेश, आपका आंसर बिल्कुल सही था। सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। आज जमाने के बाद यूट्यूब की क्लास हो रही है। क्वेश्चन नंबर टू, एके आशीष, कामेश, सभी का आंसर डी है। गुड इवनिंग विक्की, परेश का भी डी है। डी इज करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइट्स, कौन सा बायोसाइट्स का रूप नहीं है। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी ब्लीच। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माही का भी आंसर डी बिल्कुल सही, परेश का भी, अक्षय का भी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताया हर्षिल दीक्षित। गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। पवन का भी बिल्कुल सही जवाब, डी इज करेक्ट आंसर, ब्लीच। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोडेंटिसाइड्स आर डैश इन नेचर, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कृंतक डैश प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन ए एंटी सॉल्वेंट, ऑप्शन बी नॉन एंटी कॉग्युलेंट, ऑप्शन सी एंटी कॉग्युलेंट या ऑप्शन डी एंटी पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जगबंधु, अनिशा, अक्षय, हर्षिल, माही, परेश, एके आशीष, अरुण कुमार सिंह, परेश, भितारिया, सभी बच्चे आंसर दें। तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका सी एंटी कॉग्युलेंट। ठीक है, इज करेक्ट आंसर, एंटी कॉग्युलेंट। तो सतीश ने सबसे पहले आंसर दिया है और सतीश आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेचुरल रबर इज अ डैश विच इज हैविंग हाई इलास्टिसिटी, प्राकृतिक रबर एक डैश है जिसमें उच्च लोच होती है। ऑप्शन ए मटीरियल, ऑप्शन बी सब्सटेंस, ऑप्शन सी इलास्टोमोर या ऑप्शन डी नन। राकेश, अगली क्लास कल होगी दिन में 1 बजे, ठीक है, 1 PM पे कल क्लास होगी जिसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। कल 1 बजे क्लास को ज्वाइन करना आप सब। तो यहाँ पे जगबंधु ने सबसे पहले आंसर दिया, एंड जगबंधु आपका आंसर बिल्कुल सही है, इलास्टोमोर इज करेक्ट आंसर। एके आशीष आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अ सिंथेटिक रबर इज हैविंग डैश वेट, एक सिंथेटिक रबर का भार डैश होता है। ऑप्शन ए हायर एटॉमिक, ऑप्शन बी हायर मॉलिक्यूलर, ऑप्शन सी लोअर डेंसिटी या ऑप्शन डी हायर रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर छः, जगबंधु, सतीश, कामेश, हर्षिल, अक्षय, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिट्टू ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अनिशा दास का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर छः का बताएं, तो छः का अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। तो छः का आंसर याद रखिएगा, जो सिंथेटिक रबर होता है उसमें क्या रहता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो वी इज करेक्ट आंसर। हर्षिल आपका आंसर गलत है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, और देवो प्रसाद भट्टाचार्य आपका आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मेटेलॉइड्स, ऑप्शन बी मेटल्स, ऑप्शन सी नॉन मेटल या ऑप्शन डी गैसेस। क्वेश्चन नंबर सेवन, अक्षय का आपका भी आंसर बिल्कुल सही, माही आपका भी, अनिशा आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताएं। हाँ नितिन, आज बहुत दिन के बाद क्लास ली है। और सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो आप लोग। तो बिल्कुल सही जवाब है एके आशीष का, कामेश का, अरुण कुमार सिंह का, डी इज करेक्ट आंसर। नितिन कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही है, बिट्टू का भी आंसर बिल्कुल सही है, माही का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मरकरी या ऑप्शन डी ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर आठ, राजा राम आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर बताएं। तो आठ का, तो यहाँ पे फिर वही क्लैश हो गया, आधे बोलेंगे मरकरी आधे बोलेंगे ओस्मियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेवीएस्ट लिखा है तो आंसर इज मरकरी। ठीक है, अगर आपके डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता डेंसिटी, तो आपका आंसर होता ओस्मियम। ठीक है, तो हेवीएस्ट इज मरकरी, तो सी इज करेक्ट आंसर, ओस्मियम नहीं होगा, मरकरी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेट मरकरी का ज्यादा होता है, डेंसिटी ओस्मियम की ज्यादा होती है। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायमेंशनली इक्वल टू, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन आयामी रूप
किससे बराबर है? ऑप्शन ए प्रेशर के, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी फोर्स, सी ऑप्शन डी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9th। और सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है? कामेश पहले तुमने ओस्मियम बोला था। क्वेश्चन नंबर 9th। तो डीके मीना का प्रेशर है? नहीं रॉबिन, बिल्कुल भी नहीं। और हर्षिल का वर्क है, बिट्टू का वर्क है। करेक्ट आंसर इज ए प्रेशर। परेश आपका भी आंसर प्रेशर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10th। ईटिंग टोबैको एंड थ्रोइंग ऑन द रोड कैन प्रोड्यूस डैश पॉल्यूटेंट। तंबाकू खाने और सड़क पर फेंकने से डैश प्रदूषक उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए वॉटर, ऑप्शन बी नॉइज, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी एयर। गुड इवनिंग देवांश, देवो प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th का नहीं, पंकज नितिन कुमार का आंसर सी है एंड सी इज करेक्ट आंसर। हर्षिल का भी सी बिल्कुल सही, ए के आशीष का भी, कामेश का भी, सभी का सी सॉइल, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th। लेकिन अभी गुड मॉर्निंग हुआ नहीं है तो तुमको गुड इवनिंग ही बोलना पड़ेगा ना देवांश मुझे। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए एंड ए इज करेक्ट आंसर। अनिशा आपका गलत है। द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल इथर फ्रॉम इथेनल बाय ट्रीटमेंट विथ H2SO4 इज। H2SO4 के साथ उपचार द्वारा इथेनॉल से डाइथाइल इथर की तैयारी के दौरान बनने वाली प्रतिक्रिया मध्यवर्ती है। ऑप्शन ए फ्री रेडिकल, ऑप्शन बी कार्बोकेशन, ऑप्शन सी कार्बेनियन या ऑप्शन डी कार्बीन। क्वेश्चन नंबर 11th। अंकेश, ए एस, अक्षय, बिट्टू, राजा राम, अनिल, बिल्कुल आंसर इज बी कार्बोकेशन, ठीक है, कार्बोकेशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5। निम्नलिखित में से किस अणु का बंधन क्रम 2.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 12th। तो गौरी शंकर का 12th का सी सबसे पहले, ए के आशीष का भी, हर्षिल का भी एंड सी इज करेक्ट आंसर। अरुण का गलत आंसर है। 0.01 मोल ऑफ NaOH इज एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर। द pH ऑफ वाटर चेंज बाय। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, आप सब जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। तो अमन का आंसर आ रहा है सी, बिट्टू का आंसर है बी, देवांश का भी आंसर सी, अनीशा का ए, एस रमन का ए, देवो प्रसाद का सी, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14th। वेव्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आवश्यक तरंगे डैश है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर ओके अग्रिमा उर्फ रमन, राकेश गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 14th। तो अर्णव का 14th का ओके राकेश, करेक्ट आंसर इज ए, डीके मीना का आंसर बिल्कुल सही है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी इसाक न्यूटन या ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 15th। 15th का तो 15th का सभी का आ रहा है आइंस्टाइन, अरुण का, राजा राम का, अविक का, बिट्टू का, सभी का ए एंड ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड देन द वेट ऑफ बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी इंक्रीज या ऑप्शन डी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16th।
16th का डी नहीं, सारे बच्चे डी, एंड डी इज करेक्ट. ठीक है, डिक्रीज इज करेक्ट. ए के आशीष, डी के मीना, अग्रिमा, गौरी शंकर, सबका आंसर बिल्कुल सही है. विच कलर डेविएट्स लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू या ऑप्शन डी ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 17. तो 17th का अनिल कुमार रावत, कामेश, देवांश, अग्रिमा. बिल्कुल, सबसे कम जो डेविएट होगा वो होगा रेड. ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. विच कलर डेविएट्स हाईएस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी ग्रीन या ऑप्शन डी इंडिगो. क्वेश्चन नंबर 18. और सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए. तो 18th का अरुण, राजा राम, आवेक, अमन, अभिषेक. बिल्कुल सही है, आंसर इज बी वायलेट. सबसे कम रेड, सबसे ज्यादा वायलेट. क्वेश्चन नंबर 19. विच वन टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? किस प्रकार के विकिरण की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए एक्सरे की, ऑप्शन बी इंफ्रारेड की, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट की, ऑप्शन डी रेडियो वेव की. क्वेश्चन नंबर 19. हैप्पी बर्थडे राकेश कुमार वर्मा. तो सभी का आंसर 18th, 19th. बिल्कुल 19th का क्या होगा? बिल्कुल डी, एंड डी इज करेक्ट आंसर, रेडियो वेव्स. हेलो अभिषेक कटियार. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे हैज मिनिमम वेवलेंथ? निम्नलिखित में से किस किरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए कॉस्मिक रे का, ऑप्शन बी एक्सरे का, ऑप्शन सी गामा रे का या ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रे का. क्वेश्चन नंबर 20. तो 20 का बिल्कुल मिनिमम वेवलेंथ इज किसकी होती है? गामा रे. सी इज करेक्ट. मिनिमम पूछा है, मिनिमम, तो सी इज करेक्ट आंसर. 21. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, द एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरिड इन डिस्क्रीट यूनिट आर कॉल्ड? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का असतत इकाइयों में ले जाया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स या ऑप्शन डी फोटॉन्स. क्वेश्चन नंबर 21. 21 अभिषेक कटियार, अनिल, ए के आशीष, अरुण, हर्षिल, डी के, राकेश, बिट्टू, ज्योति मलिक, अर्णव विश्वास. बिल्कुल आंसर इज फोटॉन्स. ठीक है, डी इज करेक्ट. बी नहीं होगा, डी होगा. कामेश का भी आंसर बिल्कुल सही है. द एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स, एक फोटोन की ऊर्जा इसके साथ सीधे बदलती है. ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी नन. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. तो 22 का बिल्कुल सही जवाब आंसर इज सी, फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, सी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी. और अरुण ने सबसे पहले आंसर दिया, अर्णव विश्वास ने उसके बाद बिल्कुल सही आंसर दिया है, हर्षिल दीक्षित ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. विच फिजिस्ट इज द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन से भौतिक विज्ञानी हैं? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी इसाक न्यूटन या ऑप्शन डी हांस बेथ. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं. तो 23 का सभी का आंसर आ रहा है हॉकिंग, और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, स्टीफन हॉकिंग इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. अल्ट्रासाउंड डिवाइस ऑपरेट्स विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम? अल्ट्रासाउंड उपकरण न्यूनतम आवृत्ति के साथ संचालित होता है. ऑप्शन ए 45 किलोहर्ट्स, ऑप्शन बी 60 किलोहर्ट्स, ऑप्शन सी 20 किलोहर्ट्स या ऑप्शन डी 35 किलोहर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 24.
24th बिल्कुल सही है, सी 20 किलो हर्ट्ज, सी इज करेक्ट आंसर। और बिट्टू कुमार शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अविक ने भी, अरुण ने भी। क्वेश्चन नंबर 25, एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन इज कॉल्ड, प्रोटॉन से अधिक न्यूट्रॉन वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी आइसोटोप, सी ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है सी, राकेश कुमार वर्मा, आविक, अभिषेक, विक्की, डीके, स्माइली गर्ल, शाहीन, अक्षय, एंड करेक्ट आंसर इज सी आइसोटोप्स। बिट्टू का भी आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक कटियार का भी। व्हेन ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर बैलेंस इन अ मैकेनिकल बॉडी इट इज सेड टू बी इन, जब किसी यांत्रिक निकाय में सभी बल और बल आघूर्ण संतुलित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का आंसर बिल्कुल सही है बी, बी इज करेक्ट आंसर, इक्विलिब्रियम। 27, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ विल बी, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27, तो ट्वेंटी सेवन का सभी का आंसर है आ रहा है डी, विक्की, अनिल, कामेश, अभिषेक, डीके, राकेश, हर्षिल, बिल्कुल डी, 1/4 हो जाएगा। अभी मैंने हीटर ही चलाया नितिन, ठंड है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए इम्पल्स, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, या ऑप्शन डी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 28, 28, सारे बच्चे एक बार गौरी शंकर का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना सब। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल डेंसिटी इज करेक्ट, मोहम्मद अकलम, गौरी शंकर, कमेश, सूरज, अभिषेक कटियार, विक्की, हर्षिल, सबका आंसर सही है। व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी आल्सो, जब किसी पिंड को त्वरित किया जाता है तो वेग क्या होगा? ऑप्शन ए कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन बी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन सी डिक्रीज हो जाएगा, ये ऑप्शन डी नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो सूरज का, कामेश का, अग्रिमा, अक्षय, गौरी, अनीशा, अनीशा गलत है आपका, करेक्ट आंसर इज बी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होगा? ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 30, सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं, सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, वर्षा सिंह ऑफिशियल से, ताकि आपको क्लासेस की लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सारी चीजें मिल जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज ए सेम रहेगा, ठीक है, सेम होगा, जीरो नहीं, सेम। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेयन, ऑप्शन बी केवलर, ऑप्शन सी डेक्रॉन, या ऑप्शन डी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 31, 31, तो 31 का अग्रिमा, अभिषेक, अनीशा, डीके, राकेश, अनिल, सूरज, अभिषेक, हर्षिल, आशीष, मिरोठा, अरुण, बिल्कुल सही जवाब है, केवलर इज करेक्ट। बिट्टू का भी, अविक का भी, अकलम का भी, राकेश तुम्हारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज,
निम्नलिखित में से कौन सा यातायात भीड़भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा है? अभिषेक भागलपुर, गुड इवनिंग। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, 32। तो 32 का अभिषेक, कामेश, दिनेश, आप सभी का सही आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन H2O गिव्स हिजिंग साउंड? निम्नलिखित में से कौन H2O में घुलने पर फुफकारने की आवाज देता है? ऑप्शन ए स्लेट लाइम, ऑप्शन बी सोडा लाइम, ऑप्शन सी क्विक लाइम या ऑप्शन डी लाइम स्टोन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। मोनिका, मैंने थोड़ी पहले स्टार्ट कर दी, मुझे लगा ज्यादा ये लेट ना हो जाए और मैं ही कहीं ना सो जाऊं तुम लोग को टाइम दे करके, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया 11 बजे आज। कोई बात नहीं, 3 घंटे की क्लास है, अभी 2.5 घंटे बाकी है, 2.5 घंटे से भी ज्यादा बाकी है। बिल्कुल, आंसर इज सी क्विक लाइम, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इन अ फ्लोरोसेंट लैम्प? निम्नलिखित में से कौन एक फ्लोरोसेंट लैम्प में प्रकाश का द्वितीयक स्रोत है? ऑप्शन ए मरकरी वेपर, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट कोटिंग, ऑप्शन सी आर्गन गैस या ऑप्शन डी नियॉन गैस। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 का बिल्कुल सही है आंसर इज बी फ्लोरोसेंट कोटिंग। ठीक है अग्रिमा, डीके, अरुण, हाँ 3 घंटे की क्लास है अरुण। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? नहीं 3 घंटे तो 2 घंटे तो कम से कम चलेगी ही। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग एंटीसेप्टिक घोल तैयार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्राइट या ऑप्शन डी आयोडीन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका मोनिका का आंसर ए सबसे पहले आया है एंड ए इज करेक्ट आंसर आयोडीन। दिनेश का भी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 36, 36। तो 36 का बिल्कुल आंसर इज सी प्रोटोजोआ। एंड अरुण ने, लर्न इंग्लिश विद विश्वा ने, अकलम ने, अविक ने, देवो प्रसाद, मोनिका, विक्की, बिट्टू सबने सही आंसर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में शामिल होता है? ऑप्शन ए विब्रियो, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस या ऑप्शन डी इकोली। अभिषेक बस ये तबीयत की बात मत बोलो, भगवान से ये दुआ करते रहो कि मेरी तबीयत एकदम सही सलामत रहे। ये मत बोलो कि मैम इतनी लंबी लंबी क्लासेस लोगी तो फिर से बीमार पड़ जाओगी, बस ये बोलो कि मैम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान से प्रे करो कि मैं एकदम सही सलामत रहूं और एकदम पहले जैसे स्वस्थ हो जाओ। ठीक है बिल्कुल आंसर इज बी राइजोबियम। अर्थ इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथिसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग तुरंत ATP नामक एक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कोशिका के अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? अरुण अभी कोई क्लास ली कहा है, आज ही तो ले रही हूँ क्लास में। बिल्कुल सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग।
द प्रेशर ऑफ ब्लड इन साइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इज कॉल्ड, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डायस्टॉलिक प्रेशर, ऑप्शन बी सिस्टॉलिक प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 39। सूरज, अनिल, अग्रिमा, हर्षिल, डीके, मोनिका, स्माइली गर्ल, अरुण, विक्की, अर्णव। बिल्कुल आंसर इज डायस्टॉलिक प्रेशर, ए इज करेक्ट। लर्न इंग्लिश विद विश्वा, सभी का आंसर गौरी का गलत है। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40, बताइए। थैंक यू अभिषेक, बिल्कुल आंसर इज डी 40, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 41, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू? प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील उत्पादों का परिवहन संवहनी ऊतक के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए फोलम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी नन या ऑप्शन डी बोथ। क्वेश्चन नंबर 41। सूरज, परशुराम, कमेश, अग्रिमा, अभिषेक, डीके, अकलम, मोनिका, अविक, देवो प्रसाद, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज ए 42। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन आवर बॉडी इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। व्हाट इज द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये बौनापन की ओर ले जाता है। वृद्धि हार्मोन का सोर्स के लिए सेक्रेशन के लिए जिम्मेदार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड या ऑप्शन डी एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे मोनिका का, डीके का, अनिल का, अभिषेक का, अग्रिमा, विक्की, परेश, देवो प्रसाद, गौरी, सभी का आंसर सी एंड अरुण का भी एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इंसुलिन इज अ हार्मोन गिवन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को इंसुलिन एक हार्मोन दिया जाता है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी लंग कैंसर, ऑप्शन सी अस्थमा या ऑप्शन डी हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पे सभी का आंसर ए एंड ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 44th, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुष के शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या ऑप्शन डी थायरॉक्साइन। क्वेश्चन नंबर 44। अविक, मोनिका, विश्वा, अग्रिमा, लॉकडाउन न्यू, अमन, अनिल, भगत, देवो प्रसाद, डीके, बिल्कुल आंसर इज ए, अकलम, सूरज आपका भी आंसर सही है, अमन आपका भी। द लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड फॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? पौधे की पत्तियां निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण गिरती है? क्वेश्चन नंबर 45। बताओ द लीव्स ऑफ अ प्लांट फॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? तो सभी का आंसर यहाँ पे ए सी, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर 45, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस? निम्नलिखित में से कौन उपदंश का कारक जीव है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 46। का बिल्कुल बैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर।
47th, एम्ब्रॉय इज ज्वाइंट टू प्लेसेंटा इन अ वुमेन्स बॉडी बाय, एक महिला के शरीर में भ्रूण से प्लेसेंटा को जोड़ा जाता है किसके माध्यम से? ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, तो 47th बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बी, हर्षिल का, अमन का, सूरज, अनिल, मोनिका, कामेश, देशराज, देवो प्रसाद, अरुण, अग्रिमा, अजय, अमन, सबका आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन सी। और सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना आप सब जिसने भी नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 48, गुड इवनिंग तेजू, बिल्कुल आंसर इज ए विटामिन के। अमन, अजय, विक्की, मोनिका, तेजू, लर्न विथ इंग्लिश विश्वा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। द कलर ऑफ अ स्किन इज डिफाइंड मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट, त्वचा का रंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस घटक की उपस्थिति में परिभाषित होता है? ऑप्शन ए पॉलिन एनोलेट्स, ऑप्शन बी मेलिन, ऑप्शन सी प्रोटीन ए एशिया सी, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49th का बिल्कुल आंसर इज बी, ओके अभिषेक थैंक यू, आंसर इज बी, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। हाँ अरुण मैं सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी पोषण नहीं दर्शाता? ऑप्शन ए लीचेस, ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट, ऑप्शन सी फंगी, या ऑप्शन डी लायन। क्वेश्चन नंबर 50, सूरज, अभिषेक, करना, डी के, गरेना फाइटर, मोनिका, कमेश, अनिल, अकलम, मोनिका, कमेश, बिल्कुल बी। अजय आपका भी ग्रीन प्लांट्स इज करेक्ट, अमन कुमार का भी, हर्षिल आपका गलत है। पैरा मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ, पैरा मैग्नेटिज्म की इसकी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन बी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सबशेल, ऑप्शन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी कंप्लीटली वैकेंट इलेक्ट्रॉनिक सबशेल। क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल आंसर इज सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 52, द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर, आधुनिक आवधिक तालिका में तत्वों को उनके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए मास नंबर के अनुसार, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन नंबर के अनुसार, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर के अनुसार, या ऑप्शन डी एटॉमिक वेट के अनुसार। अग्रिमा, विक्की, गरेना, मोनिका, श्रवण, अमन, डी के, तेजू, सूरज, विक्की, अभिषेक, लवकुश, निखिल। करेक्ट आंसर इज सी एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज प्रिडिक्टेड बाय, प्रतिक्रिया दर पर तापमान के प्रभाव की भविष्यवाणी कौन करता है? ऑप्शन ए वैन डेर वाल्स इक्वेशन, ऑप्शन बी किरचॉफ्स इक्वेशन, ऑप्शन सी अरहेनियस इक्वेशन, या ऑप्शन डी लुईस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 53 तो 53 बिल्कुल सी आर्हेनियस इक्वेशन बिल्कुल सही जवाब है, मोनिका ने एंड कियारा सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड सी इज करेक्ट आंसर। अजय कुमार आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, विजय आपका, विक्की सॉरी आपका भी, अमन आपका भी, तेजू आपका भी। द स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 इज HPO3 की संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 54th, लेनियर, टेट्राहेड्रल, साइक्लिक, या ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 54th तो 54th बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज सी साइक्लिक। 55, पेप्टिजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, पेप्टिजेशन किसकी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 55 10 के 20 के का पीडीएफ तो नहीं होगा अरुण। क्वेश्चन नंबर 55
ओके गौरी, तो बिल्कुल सी, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड सी इज करेक्ट आंसर। डीके मीना का आंसर बिल्कुल सही है। अभिषेक कटियार का भी ओके, कामेश गुड नाइट। अभिक आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी। विच वन इज द लार्जेस्ट सेल इन व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, सफेद रक्त कोश में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? 56, तो 56 का बिल्कुल सही जवाब है, मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक जानकारी का हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 57, तो बिल्कुल सही जवाब है डी, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डी इज करेक्ट। एंड मोनिका आपका आंसर सबसे पहले आया। सिकल सेल अनीमिया इज ड्यू टू, सिकल सेल अनीमिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीन्स, ऑप्शन सी हॉर्मोन्स, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 58, 58, 58, बिल्कुल आंसर इज बी जीन्स। 59, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज, रक्त के मैट्रिक्स को किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी ब्लड प्रोटीन, ऑप्शन सी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, तो ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 59, बिल्कुल आंसर इज ए प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज करेक्ट। एंड मोनिका फिर से सबसे पहले आंसर दे रही है। ठीक बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, अतिरिक्त और इंट्रा सेलुलर पाचन दोनों किसमें होता है? ऑप्शन ए ड्यूगेशिया में, ऑप्शन बी स्टारफिश में, ऑप्शन सी पॉलिस्टोमा में, या ऑप्शन बी टर्बेलेरिया में। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, बिल्कुल आंसर इज ए ड्यूगेशिया। एंड विकी, अभिषेक, विष्णु, तेजू, मोनिका, शांतु, अभिषेक कटियार, अभिषेक तिवारी आपका गलत है, अकलम आपका भी गलत है, कियारा सिंह आपका भी गलत है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 61, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो किसी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, वो किस रूप से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 61, तो सभी का आंसर आ रहा है टैक्सोनॉमी। अमन कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड सी इज करेक्ट आंसर, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 62, आफ्टर बाउंड और कट इन अ बॉडी ब्लड कॉगुलेट्स थ्रू, शरीर में घाव या कट जाने पर रक्त किसके द्वारा जमा होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटिलेट्स, या ऑप्शन डी आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 62, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का चैनल है वर्षा सिंह ऑफिशियल। और जितने भी बच्चे अनअकैडमी पे क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, डेली क्लास लिया करो, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी मेरी क्लासेस की। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक टेलीग्राम अन अकेडमी से, तो जुड़ जाइए। ठीक है, सभी अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बिल्कुल प्लेटलेट्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, आंतों के बैक्टीरिया द्वारा शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 63, करना क्वेश्चंस, अभी 2 घंटे की क्लास और है। बिल्कुल सही है, आंसर इज डी विटामिन के।
देवो प्रसाद, हर्षिल, अरुण, डीके, मोनिका, विष्णु, करना। बिल्कुल हाँ, वीक मैंने देखा आपने मुझे है डेडिकेट किया। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कौन वर्गीकरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं? गैलेन, डार्विन, लैमार्क या लिनियस। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। बिल्कुल आंसर सही है, लीनियस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन। एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी के माध्यम से, सूर्य से पृथ्वी किस माध्यम से यात्रा करता है? ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेंशन या ऑप्शन डी रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 66। अभिषेक, मोनिका, अभिषेक तिवारी, हर्षिल, विष्णु, शांतु, डीके, करना। बिल्कुल आंसर इज डी रेडिएशन, ठीक है, डी इज करेक्ट। किरचॉफ्स लॉ सेज इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ कंडक्टर द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इज। किरचॉफ का नियम कंडक्टरों की विद्युत नेटवर्क में कहता है किसी भी बिंदु पर वर्तमान बैठक का बीजगणितीय योग क्या है? ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी इक्वल टू द अप्लाइड करेंट, ऑप्शन सी मैक्सिमम या ऑप्शन डी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 67। बिल्कुल अजय का, विष्णु का, अमन का, अविक का, विनय का, मोनिका, हर्षिल, राजेश, मीना। आपका गलत है राजेश, आंसर इज ए जीरो। करना आपका सही है, देवेंद्र आपका भी सही है, गोपीनाथ आपका भी सही है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ सिट्रल, सिट्रल में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री या ऑप्शन डी फोर। और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। वन, ठीक है, बिल्कुल ए इज करेक्ट, वन। और मोनिका फर्नांडिस ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया, और पता नहीं इसको क्या हो गया फिर से, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाना। उसका करेक्ट आंसर है 1। 69। व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरी वेव लाइक एक्सपेंशन टेक प्लेस इज कॉल्ड, जब रक्त को धमनी में धकेला जाता है तो तरंग जैसा विस्तार होता है, जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टिकिंग, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी हार्ट बीट या ऑप्शन डी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 69। नहीं छुट्टी, मैंने कब कहा छुट्टी? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बी पल्स। अ डैश मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक डैश दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी प्लेन, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स या ऑप्शन डी कर्व। क्वेश्चन नंबर 70। हर्षिल, देवो प्रसाद, अभिषेक, अरुण, विष्णु। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज सी कॉन्वेक्स। एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू, और ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी किस माध्यम से यात्रा करता है? ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेंशन या ऑप्शन डी रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 71। बिल्कुल सही आंसर इज डी रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, निम्नलिखित में मापों में से कौन सा दूरी की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए क्यूबिट, ऑप्शन बी एमीमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम या ऑप्शन डी पार्सेक। क्वेश्चन नंबर 72। इसमें से कौन सी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है? तो सभी का आंसर है एमीमीटर, एंड एमीमीटर बिल्कुल सही जवाब है देवो प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 73, द पार्सिक इज द यूनिट ऑफ, पार्सिक किसकी यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 73, तो हर्षिल, करना, तेजू, राजेश, अविक, विष्णु, देवानंदन, तमल, श्रवण, सूरज। बिल्कुल आंसर इज सी, डिस्टेंस की। इफ अ मूविंग बॉडी टर्न्स इट्स स्पीड टू 1.5 टाइम्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी? यदि एक चलती शरीर अपनी गति को 1.5 गुना तक बदल देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी 2.25 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.5 गुना हो जाएगा, या ऑप्शन डी 6 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मोनिका का आंसर है बी, हर्षिल का है बी, देवो प्रसाद, परेश, तेजस फाइटर एंड बी इज करेक्ट। पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स, एक ध्वनि की पिच अपने किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 75, 75, तेजस फाइटर गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 75, बिल्कुल सही है, आंसर इज सी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे करती है। एंड मोनिका, अरुण कुमार सिंह, विक्की, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अभिषेक कटियार का भी, अविक का भी, हर्षिल का भी, तेजस का भी। क्वेश्चन नंबर 76, अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट, एक आदमी पृथ्वी पर अधिक वजन किस पोजीशन में डालता है? ऑप्शन ए लाइंग में, ऑप्शन बी स्टैंडिंग में, ऑप्शन सी सिटिंग में, या ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना आप में से जिसने भी नहीं किया अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 76, बिल्कुल आंसर इज बी स्टैंडिंग पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? क्वेश्चन नंबर 77, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉम्पसन, या ऑप्शन डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 77, अभिषेक, विक्की, अविक, सूरज, विष्णु, सानुज, मोनिका। बिल्कुल आंसर इज बी चैडविक ने। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी, पृथ्वी पर विद्युत क्षमता कितना होता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी मिनिमम, या ऑप्शन डी यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 78, 78, बिल्कुल आंसर इज बी जीरो। ठीक है, जीरो होता है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए लेटेंट हीट का, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूजन का, या ऑप्शन डी स्टॉक का। क्वेश्चन नंबर 79, तो सभी का आंसर आ रहा है सानोज का, देवो प्रसाद, तेजस, अभिषेक, डीके, मोनिका। हेलो प्रियंका, तो 79 का डी, एंड डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द साउंड वेव, ध्वनि की लाउडनेस ध्वनि तरंग पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड पर, ऑप्शन बी पिच पर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी पे, या ऑप्शन डी वेवलेंथ पे। क्वेश्चन नंबर 80, 80, तो 80 का बिल्कुल आंसर इज ए एम्पलीट्यूड। एंड अजय कुमार ने सबसे पहले सही आंसर दिया एम्पलीट्यूड। द डिवाइस एम्प्लॉयड टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्टार एंड आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड, तारों और हमारी आकाशगंगा के व्यास को मापने के लिए नियोजित उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विस्कोमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, या ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 1st, सारे बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दो।
हाँ श्रवण डेली होगी क्लास, बिल्कुल आंसर इज डी। एंड हर्षिल का आंसर सबसे पहले आया है, अभिषेक का भी, एंड डी इज करेक्ट आंसर, इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर टू, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द हार्डेस्ट मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर धातु होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम या ऑप्शन डी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जिसने नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिल्कुल आंसर इज बी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोकोनट, निम्नलिखित में से कौन नारियल में मौजूद पानी की विशेषता है? ऑप्शन ए लिक्विड मेसोकार्प, ऑप्शन बी लिक्विड एंडोकार्प, ऑप्शन सी लिक्विड न्यूक्लियस या ऑप्शन डी डीजेनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का बिल्कुल आंसर इज डी, डीजेनरेटेड लिक्विड एंडोस्पर्म। एंड हर्षिल दीक्षित ने सबसे पहले आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ऑप्शन बी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ का सभी का आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रथम आयन एंथैल्पी उच्चतम है? ऑप्शन ए बेरियम की, ऑप्शन बी मैग्नीशियम की, ऑप्शन सी बेरिलियम की, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्टियम की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का परेश का डी, अविनाश, अरुण, गलत आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज अ मॉलिक्यूलर सीव टू फिल्टर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम स्वेटर, सॉरी सी वाटर टू प्रोड्यूस पोटेबल वाटर, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग आणविक चलनी के रूप में समुद्र जल से सामान्य लवणों को छानने के लिए पीने योग्य जल के उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफिन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी फोस्जीन या ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर छ, बिल्कुल छ का ए सबसे पहले अरुण ने दिया, एंड ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड, निम्नलिखित में से कौन एक मेटेलॉइड नहीं है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जर्मेनियम या ऑप्शन डी टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, और सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, और टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा वर्षा सिंह ऑफिशियल, ठीक है, वर्षा सिंह ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बिल्कुल सही है सभी का आंसर इज टाइटेनियम, डी इज करेक्ट। तेजस का, अजय का, अभिषेक कटियार बिल्कुल सही, अरुण का भी। क्वेश्चन नंबर आठ, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक, निम्नलिखित में से कौन पहला मानव निर्मित प्लास्टिक था? ऑप्शन ए नायलन, ऑप्शन बी बेकलाइट, ऑप्शन सी पॉलिथीन या ऑप्शन डी सेलुलाइट। क्वेश्चन नंबर आठ, तेजस, अभिषेक, हर्षिल, रवि, कांत, रवि, सभी का आंसर बिल्कुल आंसर इज डी सेलुलॉइड। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, निम्नलिखित में से पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए टेक्नेटियम, ऑप्शन बी नेप्ट्यूनियम, ऑप्शन सी यूनिबियम या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विष्णु, टेसी फ्रेंड, हर्षिल, अरुण, अभिषेक, परेश, डीके, तेजस, बिल्कुल आंसर इज ए, टेक्नीटियम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक घटक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर टेंथ,
तो 10th का बिल्कुल सही आंसर इज हाइड्रोजन, ए इज करेक्ट। अरुण ने सबसे पहले दिया, अजय ने उसके बाद, बिल्कुल दोनों का जवाब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज लीक्ड एट भोपाल ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी एट 2nd and 3rd December 1984। निम्नलिखित में से कौन सी गैस 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी दौरान भोपाल में लीक हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोक्लोरेट, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोक्लोराइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड या ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11th का बिल्कुल साइनेट, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन बी हीटिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन सी मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ऑप्शन डी मेल्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आंसर इज ए रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म व्हाइट कोल समटाइम्स रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शब्द सफेद कोयला को कभी कभी निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए बायोमास एनर्जी, ऑप्शन बी जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सी। और सबसे पहले दिया है तेजस ने आंसर और अरुण ने आंसर, ठीक है, करना का भी आंसर बिल्कुल सही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैटरीज यूज इन इलेक्ट्रिक कार्स? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक कारों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ब्रोमाइन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14th का बिल्कुल आंसर इज ए लिथियम। 15th, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ? पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा करने वाले उपग्रह के लिए समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए 84.6 मिनट, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 72.4 मिनट्स या ऑप्शन डी 44.8 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 8, एंड बिल्कुल सही जवाब है सभी का, आंसर इज 84.6 मिनट्स, ठीक है, 84.6 मिनट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द मैक्सिमम वर्क टू बी डन? अधिकतम कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज ए 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम? सीजीएस प्रणाली में शक्ति की पूर्ण इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ज या ऑप्शन डी, बता दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो रवि कांत, रवि, डीके, विष्णु, अभिषेक, परेश, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, डी इज करेक्ट। फिर से वही प्रॉब्लम, एक मिनट। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, ठीक है, तो जाना मत।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेट ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय वन डाइन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम? 1 ग्राम द्रव्यमान की पिंड पर अभिनय करने वाले एक डाइन बल द्वारा उत्पन्न त्वरण की दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल? इनमें से कौन सा बल किसी पिंड को एक वृत्त के एक समान गति करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए काइनेटिक, ऑप्शन बी सेंट्रीपेटल, या ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल, या ऑप्शन डी नन. क्वेश्चन नंबर 19, मोनिका का आंसर बी सबसे पहले आया एंड बी इज करेक्ट आंसर, सेंट्रीपेटल फोर्स. क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड एज? एक बिंदु पर कार्य करने वाले बलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनिट फोर्स, ऑप्शन बी कोलिनियर फोर्स, ऑप्शन सी कंकरेंट फोर्स, या ऑप्शन डी कॉप्लेनर फोर्स. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही है, नूर मोहम्मद का सबसे पहले आंसर आया है, अरुण का भी, एंड सी इज करेक्ट आंसर कंकरेंट फोर्स. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ? निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग लंबाई मापने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्लग, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी लाइट ईयर, या ऑप्शन डी पार्सेक. क्वेश्चन नंबर 21, 21, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज ए स्लग. 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास? निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है? आई पर केजी, स्लग, एएमयू, या फिर सीएसएल, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 बिल्कुल आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 23, द पुलिंग सेंसेशन व्हेन वी स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ? जब हम चलती ट्रेन के पास खड़े होते हैं तो खींचने वाली संवेदना को किसके आधार पर समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी बर्नौलीज लॉ, या ऑप्शन डी ओवगार्डोज हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 23, तो 23, अभिषेक, गणपत, हर्षिल, करना, मोनिका, तेजस, बिल्कुल आंसर इज सी बर्नौलीज लॉ. ठीक है, नूर मोहम्मद का भी आंसर बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 24, इन कॉन्टेक्स्ट विद अ कनेक्टिव टिश्यूज विच अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट जॉइंट बोन टू बोन? संयोजी उत्तरकों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कनेक्ट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है? ऑप्शन ए राप, ऑप्शन बी रेटिकुलर फाइबर, ऑप्शन सी लिगामेंट, या ऑप्शन डी टेंडन्स. क्वेश्चन नंबर 24, 24, आंसर इज सी बिल्कुल लिगामेंट्स, सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रोफाइट्स आर आल्सो नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग? गैर संवहनी भ्रूण कोष को निम्नलिखित में से किस रूप से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी बायरोफाइट्स, ऑप्शन सी एलगे, या ऑप्शन डी टेरियोडोफाइट्स. क्वेश्चन नंबर 25, 25 का देसी फ्रेंड मिया, अभिषेक, विष्णु, परेश, करना, अरुण, बिल्कुल आंसर इज बी बायरोफाइट्स. ठीक है, बायरोफाइट्स इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम?
निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जंतु संघ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी मोलस्का या ऑप्शन डी मैमेलिया। क्वेश्चन नंबर 26, 26। तेजस, अभिषेक, हर्षिल, विष्णु, कर्णा, मोनिका। बिल्कुल आंसर इज ए, अजय का भी आंसर बिल्कुल सही है। अभिषेक तिवारी आपका गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के निर्माण खंड है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेल्स या ऑप्शन डी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 27, 27। ट्वेंटी सेवन का ए या सी? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल्स। प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है, सी। आते ही प्रिंस ने एकदम सही जवाब दिया। अभिषेक तिवारी आपका भी सही है, सी इज करेक्ट। 28, द नेम ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? कार्ल लैंडस्टीनर का नाम निम्नलिखित में से किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी विटामिन बी ग्रुप या ऑप्शन डी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, 28। बिल्कुल आंसर इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब अ सिल्वर फिश? निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से सिल्वर फिश का वर्णन करता है? ऑप्शन ए फ्रॉग, ऑप्शन बी एंट्रोपॉड, ऑप्शन सी विंगलेस इंसेक्ट या ऑप्शन डी फिश। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29। सौम्या मंडल एंड हर्षिल दीक्षित, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, डेंगू विच इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अराउंड द वर्ल्ड इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एंड कॉज्ड बाय अ। डेंगू जो दुनिया भर में उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, एक मच्छर जनित रोग है और डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जिसने भी नहीं किया अभी तक जल्दी से कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, तेजस फाइटर, अभिषेक तिवारी, अजय, करना। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सी, वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ब्लड प्लाज्मा विद विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम? निम्न में से किस रक्त प्लाज्मा को हटाकर सीरम कहा जाता है? फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी फाइब्रिन या ऑप्शन डी थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 31, इकतीस। अभिषेक, हर्षिल, सूरज, बरखा वर्मा। बरखा वर्मा, मलेरिया आपके प्रोटोजोआ, वहां पे डेंगू था तो वो वायरस होगा। ठीक है, आंसर इज ए। ठीक है, विष्णु, अभिषेक, तेजस, करना। 32, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी या फिर लीवर। क्वेश्चन नंबर 32, 32, 32 का बिल्कुल आंसर इज सी, किडनी। ठीक है, किडनी। तेजस फाइटर ने, प्रिंस ने, सौम्या मंडल, अमित कुमार, अभिषेक अटियार, आपका गलत है, बाकी सबका सही था। विच अमंग द फॉलोइंग शुगर इज मैक्सिमम इन हनी? निम्नलिखित में से कौन सा शक्कर शहद में अधिकतम होता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन बी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 बिल्कुल सही है, आंसर इज बी। 34, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल? निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए।
क्वेश्चन नंबर 34। अहल्या, डीके अरुण, विष्णु कर्णा, प्रदीप सरकार। बिल्कुल आंसर इज 34th का ए, विटामिन ई को। तेजस, अमित, प्रदीप, सौम्या, मंडल, सभी का आंसर सही है। द टर्म हाइपोग्लेशमिया एंड हाइपरग्लेशमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। हाइपोग्लेशमिया एंड हाइपरग्लेशमिया शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेस्पिरेशन, ब्लड शुगर, बॉडी फैट या मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल आंसर इज बी, ब्लड शुगर। बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द पेट्रोलियम वैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन वैक्स, ऑप्शन बी बीज वैक्स, ऑप्शन बी जोनोवा वैक्स या ऑप्शन डी कार्नोबा वैक्स। क्वेश्चन नंबर 36, 36। और सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो आप लोग, जिसने भी नहीं किया अभी तक। तो सभी का आंसर आ रहा है पैराफिन वैक्स, एंड पैराफिन वैक्स बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पैराफिन वैक्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। विच टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज? लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट ग्लास, ऑप्शन बी पायरेक्स, ऑप्शन बी जेना या ऑप्शन डी फ्लिंट। क्वेश्चन नंबर 37, 37। तो 37th का सभी का आंसर डीके, विष्णु, संदीप, हर्षल, अरुण, नूर मोहम्मद, अजय, मोनिका। बिल्कुल आंसर इज डी, फ्लिंट, फ्लिंट क्लास होगा। ठीक है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ऑफ साबुन सोडियम और पोटेशियम लवण का मिश्रण है किसका? ग्लाइसरॉल का, मोनोकार्बोऑक्सिलिक एसिड का, ट्राईकार्बोऑक्सिलिक एसिड का या फिर डाईकार्बोऑक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 38। हर्षिल, डीके, अहल्या, अरुण, विष्णु, प्रदीप। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मोनोकार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। बी इज करेक्ट आंसर। प्रिंस का भी आंसर सही है, नूर मोहम्मद का भी, तेजस फाइटर का भी। क्वेश्चन नंबर 39। द वास्ट रिसोर्स ऑफ अनयूटिलाइज्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस के विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? ऑप्शन ए सिंथेटिक पेट्रोलियम में, ऑप्शन बी कार्बाइड में, ऑप्शन सी ग्रेफाइट में या ऑप्शन डी फर्टिलाइजर्स में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 बिल्कुल आंसर इज डी, फर्टिलाइजर्स में। 40 डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ। कांच का गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति में से प्रदान होता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कप्रिक ऑक्साइड या ऑप्शन डी निकिल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, 40। बिल्कुल आंसर इज ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। 41। ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? वीविंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फूड इंडस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41। जल्दी जल्दी सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, 100 लाइक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। और सभी बच्चे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाना, वर्षा सिंह ऑफिशियल से। ठीक है, वर्षा सिंह ऑफिशियल ये टेलीग्राम का चैनल है, इससे सभी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 का बिल्कुल कम्युनिकेशन, डी इज करेक्ट। 42। वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। लकड़ी किसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है? गन पाउडर, इंक, पेंट या पेपर। 42 42 बिल्कुल आंसर इज डी, पेपर। 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर? निम्नलिखितों से किसका उपयोग इसके निर्माण के दौरान कांच से हवा के बुलबुले को हटाने के लिए किया जाता है?
लेड स्पार, आर्सेनियस ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश। क्वेश्चन नंबर 43। अभिषेक तेजस डीके, अभिषेक तिवारी, मोनिका फर्नांडिस, मृन्मय दास, हर्षिल विष्णु, अजय, संदीप साफिर, भड़ाना ऑफिशियल, अहिल्या। बिल्कुल आंसर इज बी, आर्सेनियस ऑक्साइड। बी होगा मोनिका, ए नहीं होगा। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल कंटेन्स, कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त अपमार्जकों में क्या होता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन सी सल्फोनेट्स या ऑप्शन डी बिस्मिथेट्स। क्वेश्चन नंबर 44। अभिषेक, हर्षिल, अभिषेक तिवारी, डीके मीना, विष्णु, संदीप कुमार, नूर मोहम्मद, तेजस, करना, प्रिंस, अरुण। बिल्कुल आंसर इज सल्फोनेट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड अ पॉलीएमाइड, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉलीएमाइड कहा जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन को, ऑप्शन बी ओडलोन को, ऑप्शन बी टेरिलिन को या ऑप्शन डी रेयॉन को। क्वेश्चन नंबर 45, 45, 45। करेक्ट आंसर बिल्कुल ए, नायलॉन को। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप, सोडा एसिड टाइप, लिक्विड टाइप या फिर पाउडर टाइप। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। बिल्कुल सही आंसर इज डी, पाउडर टाइप, डी। 47th, विच इज आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग में आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? ऑप्शन ए लाइमस्टोन एंड क्ले, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी जिप्सम एंड क्ले या ऑप्शन डी क्ले। क्वेश्चन नंबर 47। तो संदीप, अहिल्या, अभिषेक, साफिर, देसी फ्रेंड, खत्री, अरुण, करना, हर्षिल, नूर मोहम्मद, प्रदीप, विष्णु, मोनिका। बिल्कुल आंसर इज लाइमस्टोन एंड क्ले। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अधिक भेदन भेदन कर रही है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी बेटा रेज, ऑप्शन सी गामा रेज या ऑप्शन डी अल्फा रेज। 48, हरी राव, बरखा, डीके, संदीप, अभिषेक, आई एम रवि, तेजस, करना। बिल्कुल आंसर इज सी गामा रेज। 49th, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, नाभिकीय विखंडन किसके प्रभाव से होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 49th। और सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करिए। डीके मीना, आर एन रवि, बरखा, संदीप, हर्षिल। बिल्कुल आंसर इज न्यूट्रॉन, सीताराम। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू एवोगाडोज हाइपोथेसिस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड, एवोगाडो की परिकल्पना के अनुसार किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है डैश कहलाता है? ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी केशन या ऑप्शन डी एनियन। क्वेश्चन नंबर 50, मोनिका का आंसर ए है, प्रिंस का ए है, डीके का ए, अभिषेक कुमार का ए है एंड ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखा देखा क्वेश्चन है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट फॉर क्वांटम नंबर इज, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्याओं का समुच्चय समान नहीं हो सकता क्या? ऑप्शन ए अफबाउ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन सी बोहर्स लॉ या ऑप्शन डी पॉलीज एक्सपेंशन प्रिंसिपल। ये क्लास अभी 1.5 घंटे और चलेगी, 1.5 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो और चलेगी ही चलेगी। क्वेश्चन नंबर 51, बिल्कुल आंसर इज डी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 52, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय, एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ बंधे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी एक्सचेंज फोर्स या ऑप्शन डी कोलम्बिक फोर्स।
52। अभिषेक, हर्षिल, दीक्षित, विष्णु। हाँ, आज भी बिंदी लगाई है। बिल्कुल, आंसर इज एक्सचेंज फोर्स, सी इज करेक्ट। 53rd, हु सजेस्टेड दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। किसने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, या ऑप्शन डी बोर ने। क्वेश्चन नंबर 53rd, 53। बिल्कुल सही है, मोहित का सबसे पहले आंसर और नूर मोहम्मद का भी, एंड सी का करेक्ट आंसर रदरफोर्ड। विच रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट हैज रिसेंटली ड्रॉन टू पब्लिक ड्यू टू इट्स अकरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल? कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक हाल ही में भवन निर्माण सामग्री में होने के कारण जनता की ओर आकर्षित हुआ है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी रेडियम, या ऑप्शन डी प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 54th, बिल्कुल आंसर प्रदीप, संदीप, हरी, विष्णु, मोनिका, नूर मोहम्मद। ए बिल्कुल सही जवाब, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनवेशित कण है? ऑप्शन ए कैथोड रे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी अल्फा रे, या ऑप्शन डी बीटा रे। क्वेश्चन नंबर 55, 55। बिल्कुल सही है, आंसर इज सी अल्फा रे। 56, विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी वाटर, ऑप्शन सी थोरियम, या ऑप्शन डी रेडियम। क्वेश्चन नंबर 56, 56। का बिल्कुल तेजस का आंसर सबसे पहले ए, एंड ए इज करेक्ट। अरुण का भी सबसे पहले था, ए इज करेक्ट। नॉट नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड? नॉट निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है? ऑप्शन ए साउंड वेव की, ऑप्शन बी शिप की, ऑप्शन सी एरोप्लेन की, ऑप्शन डी लाइट वेव्स की। क्वेश्चन नंबर 57, 57। बिल्कुल बी शिप्स की। 58, नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ विच यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन? नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, एस्ट्रोनॉमी, रोड माइल, नेविगेशन, या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 58, 58, 58। बिल्कुल नेविगेशन, ठीक है, सी इज करेक्ट। फैटम इज द यूनिट ऑफ, फैटम किसकी इकाई है? डिस्टेंस, फ्रिक्वेंसी, डेप्थ, या साउंड? संदीप, तेजस, हर्षिल, अजय, डीके, मोहित, अभिषेक तिवारी, प्रिंस, आई एम रवि, परेश, आशुतोष। बिल्कुल आंसर इज सी, डेप्थ, गहराई की। क्वेश्चन नंबर 60, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ? बैरोमीटर का नीचे जाना किसका संकेत है? ऑप्शन ए स्टॉर्म, ऑप्शन बी स्नो, ऑप्शन सी इंटेंस हीट, या ऑप्शन डी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 60, 60। प्रभात झा, अभिषेक, डीके, प्रदीप, नूर मोहम्मद, आशुतोष, तेजस, बरखा वर्मा, हर्षिल, आशुतोष, प्रिंस। बिल्कुल सही है, आंसर इज ए स्ट्रॉन्ग, सॉरी। ये तो डी होगा, स्ट्रॉन्ग सही है, रेनफॉल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड? ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी साइकल्स, ऑप्शन सी कोलम, या ऑप्शन डी हम। क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल आंसर इज डेसिबल, डेसिबल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशन? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है? ऑप्शन ए मरकरी,
स्टॉर्म ही तो करवाया है मैंने भी, तेजस। क्वेश्चन नंबर 62। गुड मॉर्निंग मोहम्मद हसीन। बिल्कुल, आंसर इज ए, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 63। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लीड या ऑप्शन डी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 63। बिल्कुल, सबका आंसर ए एंड ए इज करेक्ट आंसर। 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ट्रिटियम, येट्रियम या ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 64। तो प्रभात झा, अभिषेक, हीटर चला रखा है इसलिए रेड नहीं ग्लो कर रहा है, मेरे हिसाब से ऑरेंज या येलो दिख रहा होगा। हीटर बंद करूंगी फिर नॉर्मल ही दिखेगा। बिल्कुल आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 65। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस विच इज प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया इज यूज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है? कुकिंग गैस में, रेफ्रिजरेटर में, टेलीविजन में या फिर ट्यूबलाइट में। क्वेश्चन नंबर 65। और सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना। बिल्कुल आंसर इज बी, फ्रिज के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। इन फायर वर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। आतिशबाजी में हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 68 सॉरी। संदीप, हर्षिल, प्रभात, विष्णु, छोटू, हरि, अभिषेक, करना। बिल्कुल आंसर इज डी, बेरियम में के कारण। ठीक है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 67। आशुतोष, साफिर, मोहम्मद हसीन, संदीप। बिल्कुल आंसर इज क्वेश्चन नंबर 67 का टंगस्टन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान में तरल रूप में होता है? ऑप्शन ए सेरियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी फ्रेंशियम। क्वेश्चन नंबर 68। करना, ठाकुर, अहिल्या, हर्षिल, संदीप, प्रदीप, मोहम्मद हसीन, प्रभात, मोटिवेशनल हिंदी। करेक्ट आंसर इज डी। 69। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी ज़ेनॉन या ऑप्शन डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 69 आंसर इज बिल्कुल डी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 70। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ डैश। पानी का स्थायी कठोरता डैश को जोड़कर दूर किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट, लाइम, पोटेशियम, परमैंगनेट या नन। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। बिल्कुल आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 71। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एलोट्रोप्स, ऑप्शन बी आइसोटॉप्स, ऑप्शन सी आइसोमर्स या ऑप्शन डी आइसोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 71। 71। तो अभिषेक, सारे बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया। 100 लाइक भी आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, जल्दी से लाइक करो फटाफट। आइसोटोप नहीं होगा, एलोट्रोप होगा। ठीक है, एलोट्रोप्स इज करेक्ट आंसर। प्रिंस का, अजय का, तेजस आपका गलत है,
प्रभात का, अभिषेक तिवारी, सबसे खुराफाती। अच्छा सबका सही है। 72 द केमिकल इथाइल मेर्शाप्टन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग द डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इन कंपाउंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। बिल्कुल आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के एक्सपोजर पर हवा से नमी को अवशोषित करने की संपत्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। बिल्कुल आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 74। द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय द डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस क्या होती है। क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम या ज़ेनॉन। क्वेश्चन नंबर 74। अरुण तुम्हें पूरे ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहे, बैक करके दोबारा स्टार्ट करो या फिर वो कमेंट सेक्शन को हल्का नीचे करो, ठीक है। वो ऊपर की तरफ चला जाता है ना जब कमेंट सेक्शन, तो पूरे ऑप्शन नहीं दिखते। बिल्कुल आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। कोयले की वो किस्म जिसमें निक्षेप में मूल संयंत्र सामग्री को पहचानने योग्य अंश होते हैं। ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी बिट्यूमेन, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या ऑप्शन डी लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। बिल्कुल आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड या हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 76। हाँ ग्रुप डी में आप CBT2 होगा, ठीक है। बिल्कुल डी, हाइड्रोजन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एमेलगम विद अदर मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है। लीड, जिंक, मरकरी या फिर टीन। क्वेश्चन नंबर 77। आंसर इज सी मरकरी। 28। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग सिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्लेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु क्या है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी आयरन। क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 आंसर इज ए मैग्नीशियम। 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से, जज्बात मत बदलो, तैयारी का टाइम थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, तभी CBT2 क्लियर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी फोस्फोरस या ऑप्शन डी क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 79। अभिषेक, बरखा, संदीप, डीके, मोहम्मद हसीन, नूर मोहम्मद, कल्पतरु नायक। करेक्ट आंसर इज ए ब्रोमाइन, ठीक है।
ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर? हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्त हवा में फीका पड़ जाता है? रणविजय, अभिषेक, संदीप, नूर मोहम्मद, छोटू, अहिल्या। तो आंसर बिल्कुल संदीप, डीके, प्रमोद, अरुण कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया एंड सी इज करेक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी विल बी, यदि पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? डिक्रीज, सेम, इंक्रीज या जीरो हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो जिसने भी नहीं किया अभी तक। फर्स्ट का बिल्कुल सी होगा, इंक्रीज होगा, जीरो नहीं होता, इंक्रीज होता है। विच वन इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव की इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर टू, संदीप ने डी बोला एंड संदीप बताओ डी में क्या आएगा नन की जगह। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पूर्णता प्रत्यास्थ संग्रह के प्रत्यास्थापना गुणांक का मान क्या है? इतनी खतरनाक हिंदी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेकिन मैंने बस बोलने की कोशिश की, मैं अब सही बोल नहीं पाई होंगी, मुझे मालूम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी के मीना, संदीप, दोनों का आंसर सही है, बीस करेक्ट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डायमेंशनली इक्वल टू, अभी एक घंटे डेढ़ घंटे आप लोगों की क्लास और चलेगी, ठीक है। ऊर्जा प्रति इकाई आयतन आयामी रूप से किसके बराबर है? प्रेशर के, वर्क के, फोर्स के या डेंसिटी के? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर नन था, उसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आफ्टर क्लास। मैं कल सभी का आंसर चेक करूंगी कि किसने एग्जाम मतलब किसने सही आंसर दिया है, ठीक है। आंसर इज ए, प्रेशर, बिल्कुल। तेजस फाइटर, डीके, हिलाई नाजिर, हिलाल नाजिर, सॉरी। अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड एक्वायर्स अ स्टेडी वेलोसिटी इज नोन एज, एक तरल के माध्यम से गिरने वाले पिंड एक स्थिर वेग प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी या फिर टच डाउन वेलोसिटी? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना। करेक्ट आंसर इज सी, टर्मिनल वेलोसिटी। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, क्वेश्चन नंबर छह, क्वांटम यांत्रिकी में कण का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? पार्टिकल के द्वारा, वेव के द्वारा, वेव पैकेट के द्वारा या नन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर छह, तो डीके का, संदीप का, अभिषेक तिवारी, नूर मोहम्मद, इतनी ठंड में मैं जागी और इतनी ठंड में तुम जागे हो, मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तुम लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है। प्रभात झा, इन अ ऑप्टिकल फाइबर केबल द सिग्नल इज प्रोपोगेटेड अलोंग द, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिग्नल को किसके साथ प्रचारित किया जाता है? क्लैडिंग के साथ, इनर कोर के साथ, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर सेवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बोथ नहीं होगा यहाँ पे, इनर कोर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, द अमाउंट ऑफ मेटल इन अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, स्टील की एक गेंद में पदार्थ की मात्रा क्या होती है? वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम या मास? क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर एट, ओके रणविजय प्रजापति सो जाइए, गुड नाइट।
1 घंटे तो मिनिमम ये क्लास चलेगी ही चलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आंसर इज डी, मास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, ब्लू की, रेड की, ग्रीन की या फिर वायलेट की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आंसर इज बी, रेड की। ठीक है, अरे यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ रेड की होती है। ठीक है, द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व इन एन इन इलास्टिक कोलिजन इज, वह मात्रा जो बेलोचदार टक्कर में संरक्षित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10th बिल्कुल सही आंसर इज सी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी, सेंट्रलाइज्ड या नन। तो रॉयल यादव ने सबसे पहले आंसर दिया और आपका आंसर बिल्कुल सही है ए। द फ्रीक्वेंसी यूज इन टीवी एंड रडार सिस्टम लाइज इन, टीवी और रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी डैश में निहित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, और सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आंसर इज डी। 13, हु डायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापकर परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण किसने किया, ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी मिलिकन ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने या ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आंसर इज बी, मिलिकन ने। ठीक है, फिर से इसको लगता है ज्यादा ही इसको ठंड लग रही है, पागल हो रहा है तब से। क्वेश्चन नंबर किस पे थे पता नहीं, क्वेश्चन क्लास ओवर नहीं हुई है अभी। ठीक है, उसका मिलिकन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इन अ साउंड इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट साउंड, किसी ध्वनि में प्रति सेकेंड तरंगों की संख्या को उस ध्वनि का डैश कहा जाता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या डिस्प्लेसमेंट। रॉयल मेरी डेली क्लास रात को 11:30 बजे 11:30 PM पे स्टार्ट होती है, और आप सभी इस टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको क्लासेस की लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन, PDF मिल जाए। ठीक है, कभी क्लास हो नहीं हो, टाइम चेंज हो, तो आपको इस वर्षा सिंह ऑफिशियल चैनल से पता चलेगा। बिल्कुल आंसर इज सी, फ्रिक्वेंसी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेम ऑफ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक, पेट में मौजूद प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लिपास, ऑप्शन बी सेलिवरी एमिलेज या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 15, ओके अरुण बाय, गुड नाइट। नितिन आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, तो 15th बिल्कुल आंसर इज ए, पेप्सिन। और सबसे पहले अभिषेक तिवारी ने आंसर दिया, प्रिंस का भी आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक, हर्षिल का भी आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी साइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन
आशुतोष, तुमने अपनी डीपी बदल ली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको पहचान नहीं पाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16, और तुमको पहले वाला ये ज्ञान मैं दोबारा से दे रही हूँ, पढ़ लिख लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए फिजन, ऑप्शन बी स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बडिंग, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 17, संदीप बिल्कुल सही, अभिषेक, हरी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, डी नन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दोनों त्वचा और फेफड़ों से सांस लेता है? फिश, फ्रॉग, अर्थवॉर्म या क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 18, तेजस अभी क्लास खत्म होगी ये कम से कम 40 मिनट के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू प्रोक्रियाटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी बिलोंग टू, प्रोक्रियाटिक बैक्टीरिया और नील शैवाल, निम्नलिखित में से किस क्या है लिखा किंगडम से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए मोनेरा से, ऑप्शन बी प्लांटिस से, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा से, ऑप्शन डी फंगी से। क्वेश्चन नंबर 19, संदीप, अभिषेक, वैली बॉय, बिल्कुल आंसर इज ए मोनेरा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? रिकेट्स, गोइटर, बेरी बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी, बिल्कुल आंसर इज बी। 21, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इन एनिमल्स, जानवरों में ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस रूप में जमा होता है? प्रोटीन के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल आंसर इज ग्लाइकोजन सी, और सबसे पहले आंसर दिया अभिषेक तिवारी ने, तेजस फाइटर ने, अजय कुमार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन से शरीर में मौजूद सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 22, 32, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी में? तो सभी का आंसर गलत आ रहा है, तेजस का आंसर सही है। वैली बॉय वो तो आपको ऐसे ही नेट पे मिल जाएगा, बिल्कुल नन, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड इज कॉमनली नोन एज, रक्त में शक्कर का उच्च स्तर को सामान्यत किस नाम से जाना जाता है? रेबीज, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस या थायराइड। क्वेश्चन नंबर 23, 23rd, तो बिल्कुल सही जवाब है, आंसर इज बी डायबिटीज। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एचआईवी वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एचआईवी वायरस के प्रसार का कारण हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आंसर इज ब्लड ट्रांसफर, डी। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए से, ऑप्शन बी विटामिन डी से, ऑप्शन सी विटामिन सी से, ऑप्शन डी विटामिन B12 से। 25, 25 का
बिल्कुल आंसर इज ए, विटामिन ए से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से किस रक्त घटक को केंद्रक नहीं होता है। तेजस, मैं तुमको पहचान गई जब तुमने लिखा था कि लगता है मुझे अपनी असली आईडी से आना पड़ेगा। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटिलेट सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। छब्बीस, प्रिंस हो तो गया लेकिन अभी मैं उस पर क्लास नहीं ले सकती खड़े होकर के। अच्छा तो 26 का बिल्कुल आरबीसी इज करेक्ट आंसर। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेस विद वैलेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट वेट, ऑप्शन सी एटॉमिक वेट या ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन नंबर 27, 27th। बिल्कुल आंसर इज बी इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लो, ये रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल रेड फॉस्फोरस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन आकर इन द प्योरेस्ट फॉर्म इन नेचर, निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्बन प्रकृति में अपने शुद्धतम रूप में पाया जाता है। और सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हाँ ये लाइव है बलराम मीना, आंसर इज ए कार्बन ब्लैक। देखिए जब आपको ये क्वेश्चन आए, ये इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जब ये क्वेश्चन आए यहाँ पे कार्बन ब्लैक अगर ऑप्शन में नहीं है तब तो आपका आंसर हमेशा डायमंड होगा, लेकिन डायमंड और कार्बन ब्लैक दोनों ही ऑप्शन में है तो आपका आंसर कार्बन ब्लैक होगा। ठीक है, उस केस में आंसर कार्बन ब्लैक होगा अगर आपके पास ऑप्शन में कार्बन ब्लैक भी है डायमंड भी है तो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन में कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी बेरियम। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल आंसर इज सी कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक कच्चे माल से बना है। रेयॉन, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन या पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 31, डीके अभिषेक, हरियाणवी, शिशिर, शनि, तेजस, रिजवान, अभिषेक कटियार, तिवारी। बिल्कुल आंसर इज ए रेयॉन। सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टर्न्स इनटू स्पेसिफिक कलर, व्हाट इज दैट कलर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड एक विशिष्ट रंग में बदल जाता है, वो रंग क्या है। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी रेड या ऑप्शन डी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 32, 32, बिल्कुल सही आंसर इज बी ग्रे। विच गैस इज एडेड इन अ बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, चिप्स के बैग में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। हीलियम, अमोनिया, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 बिल्कुल सही आंसर इज सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम एक्सप्लोड्स कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इवन एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, इट इज केप्ट इन अ स्पेसिफिक ऑयल टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज यूज फॉर द सेम। सोडियम फटता है पानी में, पानी की उपस्थिति में आग पकड़ता है, हवा में नमी के कारण ये फट जाता है, इसके विस्फोट को रोकने के लिए एक विशिष्ट तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस तेल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। कैरोसिन का, एवोकाडो का,
मस्टर्ड का या कोकोनट का? तो यहाँ पे अभिषेक का, नूर का, रिजवान, डी के, हर्षिल, संदीप, कोडक, शिशिर। बिल्कुल आंसर इज कैरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए अप्लाइंग पेंट, ऑप्शन बी अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ऑप्शन सी अप्लाइंग ग्रीस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, 35। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ? क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल अभिषेक, संदीप, समित, तेजस, देसी फ्रेंड, खत्री, अजय, हर्षिल। करेक्ट आंसर इज ए। और सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन सनलाइट अंडरगोज अ चेंज इन कलर, व्हाट इज द कलर फॉर्म्ड? सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर रंग पर परिवर्तन हो जाता है, रंग किससे बनता है? ब्राउन से, ब्लैक से, येलो से, या ग्रे से? 37, आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी निकेल। क्वेश्चन नंबर 38, 38, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो सही जवाब इज ए आयरन। बिल्कुल रॉयल यादव ने सबसे पहले आंसर दिया और अभिषेक तिवारी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वॉज रिलीज इन टू द एटमोसफेयर ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में छोड़ी गई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, या नन? क्वेश्चन नंबर 39, हाँ, एक जगह ब्रोमाइड है, एक जगह क्लोराइड है, एक में ग्रे है, एक में ब्लैक है प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर बिल्कुल ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। इफ द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन, यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोध की संख्या को डैश में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए मिक्स्ड अरेंजमेंट, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी सीरीज, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल आंसर इज बी पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनों को तेज करने के लिए पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए बेटाट्रॉन, ऑप्शन बी सिंक्ट्रॉन, ऑप्शन सी साइक्लोट्रॉन, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 41, 41, टेलीग्राम वर्षा सिंह ऑफिशियल सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक जो वो वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल आंसर इज 41 का। बिल्कुल आंसर इज ए। 42, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज? शरीर केंद्रित घन संरचना का परमाणु पैकिंग कारक क्या है? 0.73, 0.63, 0.68, या 0.69? क्वेश्चन नंबर 42, अभिषेक मैं एक बारी आपको कल दोबारा बता दूंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सही है वो। तुम सीरीज बोल रहे हो क्या? सीरीज नहीं होगा, पैरेलल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, आंसर इज सी 0.68। क्वेश्चन नंबर 43, नंबर ऑफ लेटाइस इन द
ऑर्थोहॉम्बिक सिस्टम इज, ऑर्थोहॉम्बिक प्रणाली में जाली की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 43, ऋषभ कुमार परिहार, अंकित, अभिषेक, आशुतोष। तो अभिषेक एक बार आप भी देख लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है? तो आंसर 43 का डी 7, ठीक है? और सर आंसर किसने दिया? हर्षिल ने। पैरेलल ही होगा, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लेना। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली सॉरी प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये किसका कथन था? एवोगाडो का, बॉयल्स का, चार्ल्स का या फिर गे नोसाक का? टेलीग्राम है वर्षा सिंह ऑफिशियल, कितनी बार तो बताया। और आप सभी को मालूम होगा 25 से लेकर के 27 जनवरी तक रिपब्लिक डे ऑफर है, जिसमें अगर आप 1 साल या फिर उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 मंथ फ्री मिलेंगे। तो आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी सारे सब्सक्रिप्शन ले लें, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं। ओके तेजस भाई, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना तो आप मेरा कोड वर्षा यूज करना, ठीक है? अनअकैडमी पे जब भी आप किसी भी कोर्स का लेते हो। बिल्कुल आंसर इज सी, चार्ल्स, चार्ल्स होगा, ठीक है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, एक समान वित्तीय गति में रैखिक वेग किसके लंबवत होता है? मोमेंटम के, रेडियस के, फोर्स के या रेडियस वेक्टर के? तो क्वेश्चन नंबर 45, 45। और सारे एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है? 45, तो 45 का बी नहीं, डी, रेडियस वेक्टर, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 7000, इट्स इन एनएम इट इज। क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट, रिजवान अहमद ने सबसे पहले आंसर दिया है, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, साउंड वेव्स डू नॉट शो द फेनोमेनन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 47, साउंड वेव्स डू नॉट शो द फेनोमेनन ऑफ बताइए जल्दी से। तो सभी का आंसर आ रहा है पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन इज करेक्ट आंसर, ठीक है? डी इज करेक्ट, हर्षिल दीक्षित का सबसे पहले आया। इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ करेंट कैरिंग द कंडक्टर इज गिवन बाय। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक की गति की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी मैक्सवेल राइट हैंड रूल या ऑप्शन डी लेंज रूल। क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज करेक्ट आंसर। बी अभिषेक तिवारी, रिजवान, बरखा, आशुतोष, सभी का सही है। अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड इज कॉल्ड, धातु अर्धचालक जंक्शन डायोड को क्या कहा जाता है? स्कॉची डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड या टनल डायोड? क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल आंसर इज ए स्कॉची डाइट, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द इम्प्योरिटी आइटम विद विच सिलिकॉन शुड बी डोप्ड टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर आर
टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किसी अशुद्धता परमाणु के साथ सिलिकॉन को डोप किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी फोस्फोरस, ऑप्शन सी बोरोन या ऑप्शन डी एंटीमोनी। क्वेश्चन नंबर 50। ऋषभ अभी ये क्लास चलेगी, अगर आप लोग इच्छुक हो तब तो मैं 1 घंटे और ले लूं, अगर नहीं हो तो फिर 30 क्वेश्चन और करवा के बंद कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 50। बिल्कुल आंसर इज सी बोरोन, बोरोन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। व्हाइट यूट्यूब क्लास टाइमिंग डेली 11:30 PM, ठीक है 11:30 बजे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट? नहीं सुमित, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पौधों में क्राउन पित्त रोग का कारण बनता है? एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या नन। क्वेश्चन नंबर 51। बिल्कुल आंसर इज बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्वेश्चन नंबर 52। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, स्थिर तापमान पर जैसे जैसे दबाव बढ़ता है गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है? डिक्रीज, बिकम जीरो, इंक्रीज या रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। आंसर इज डी रिमेन्स द सेम। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू डैश इनिशियल कंसेंट्रेशन। शून्य क्रम प्रतिक्रिया में आधा जीवन काल डैश प्रारंभिक एकाग्रता को बराबर होता है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ऑप्शन डी इक्वली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ विक्रम, साइंस का डेली होगा, एक मिक्स क्वेश्चन का डेली होगा जिसमें आपके हिस्ट्री पॉलिटी साइंस ज्योग्राफी स्टैटिक जीके सब होंगे, ठीक है। तो आंसर इज सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 54। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू डैश। पौधे में भोजन का परिवहन डैश के माध्यम से होता है, कंपेनियन सेल के द्वारा, फोलम के द्वारा, ट्रेचेट्स के द्वारा या जाइलम के द्वारा। 54th। ओके अजय, बाय, गुड नाइट। 54th। बिल्कुल आंसर इज बी कोलम के द्वारा। द प्लांट ग्रोज इन द सॉल्टी वाटर। पौधे खारे पानी में जो उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइटा या जेरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 55। 55। आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। अ डैश मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक डैश दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स या कर्व। क्वेश्चन नंबर 56। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो इरेक्ट हमेशा बनाता है इमेज वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, ठीक है, इज करेक्ट। एंड हर्षिल का आंसर बिल्कुल सही है। आफ्टर बाउंड और कट इन अ बॉडी ब्लड कॉगुलेट्स थ्रू। शरीर में घाव या कट जाने पर रक्त किसके द्वारा जमा होता है? प्लाज्मा, WBC, प्लेटिलेट्स या RBC। क्वेश्चन नंबर 57। बिल्कुल सी प्लेटलेट्स के द्वारा, ठीक है। आई एम रवि, गुड नाइट, टेक केयर। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द इंटेस्टाइन बैक्टीरिया? आंतों के बैक्टीरिया द्वारा शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के।
क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी बोलो तो मैं स्किप कर दूंगी ये वाला क्वेश्चन। बताओ। वो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अभिषेक, क्योंकि दो चार सेट मर्ज किए हुए हैं इसलिए। हाउ मैनी, ये भी रिपीटेड है। व्हेन द ब्लड इज फोर्स टू चलो अब ये बताओ, विच लेयर हैज द लोएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के सभी परतों में किस परत का घनत्व सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 65। बताइए 65। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सियाल। ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल इज, कोयले में संचित ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 66। आंसर इज डी, ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 67। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज, क्वेश्चन नंबर 67। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है तो आंसर इज सी, बिल्कुल रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी टिश्यू, या ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67। बिल्कुल आंसर इज सी टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 68। आर टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज कॉल्ड, पर्यावरण में तापमान में वृद्धि जो जीवन के अस्त व्यस्त जो जीवन को अस्त व्यस्त करती है वो क्या कहलाती है? थर्मल पोल्यूशन, ट्रैफिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या न्यूक्लियर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 68 बताओ जल्दी। आर टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 68। एक मिनट, मेरा फोन ही हैंग हो गया, कमेंट ही नहीं दिख रहे। बिल्कुल सभी का आंसर ए आ रहा है, ए इज करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल, या ऑप्शन डी व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 69। बिल्कुल आंसर इज सी। विच वेव्स प्रोड्यूस्ड एन एंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन से तरंगे पूरी तरह से क्षैतिज गति उत्पन्न करती है? क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन ए एस वेव्स, ऑप्शन बी आर वेव्स, ऑप्शन सी पी वेव्स, या ऑप्शन डी एल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 70।
अभिषेक थोड़ा बहुत तो हो ही चुके हैं। बिल्कुल आंसर इज डी, एल वेव्स। ठीक है, एनर्जी यूज इन सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट इज नोन एज। सौर कुकर, सौर आश्वन संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उपयोग को क्या कहा जाता है? ओके, हरियाणवी छोड़ा, आपका आंसर राइट है तो बहुत अच्छी बात है ना। 71। बिल्कुल आंसर इज ए, सोलर एनर्जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वॉज प्रपोज्ड बाय। सारे बच्चे कल 1 PM पे क्लास होगी आपकी, हिस्ट्री का क्विज है अनअकैडमी के ऐप पे, तो आ जाना। ठीक है, वर्षा सिंह के नाम से सर्च कर लेना, प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना और वर्षा सिंह ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, आंसर इज ए। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डिजेनरेट मेगास्पोर्स। बहुसंख्यक पुष्पीय पौधे में 4 मेगास्पोर्स में से कार्यात्मक और प्रतीत मेगास्पोर्स का अनुपात क्या है? 2:2, 1:3, 3:1 या 4:0। क्वेश्चन नंबर 73। और जिसने भी लाइक शेयर नहीं किया है वो कर देना। 73। बिल्कुल 1:3, बी इज करेक्ट। सी नहीं होगा, बी होगा। इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? 10:10, 10:2, 10:1 या 10:7। क्वेश्चन नंबर 74। गुड मॉर्निंग ऋषभ कुमार परिहार, तुम तो इतनी देर से क्लास में हो ही फिर भी गुड मॉर्निंग कर रहे हो। 74। बिल्कुल सही आंसर इज डी, 10:7। विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज अ पेस मेकर एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग गति निर्माता से संबंधित है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी ब्रेन या ऑप्शन डी हार्ट। देसी फ्रेंड खत्री, 5 क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म कर दूंगी, ठीक है, परेशान ना हो। 75। और सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल मैं लिख दे रही हूँ, सर्च कर लेना, मिल जाएगा, इससे जुड़ जाना। बिल्कुल आंसर इज डी, हार्ट। विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पाश्चर आर रिलेटेड टू रिस्पेक्टिवली। विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुइस पाश्चर क्रमश डैश से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 76। बिल्कुल आंसर इज बी, ब्लड सर्कुलेशन, पेंसिलिन एंड वैक्सीनेशन। व्हेन द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज कॉल्ड। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, पेरिहीलियन, एपिहीलियन या सिड्रियल। क्वेश्चन नंबर 77। तो हर्षिल डी के, शोएब खान, हरी राव, अभिषेक तिवारी, आशुतोष, सुखमान, रिजवान, एबीडी स्पॉट। बिल्कुल आंसर इज सी, एपिहीलियन। वायरस कैन इन्फेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। वायरस निम्न में से किसे संक्रमित कर सकता है? प्लांट को, बैक्टीरिया को, फंगी को या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 78। बिल्कुल आंसर इज सी, ऑल ऑफ द अबव। एन ऑर्बिटल हैविंग टू एंगुलर नोड्स एंड वन रेडियल नोड इज कॉल्ड।
दो कोणीय नोड और एक रेडियल नोड वाले कक्षीय को डैश कहा जाता है, 3p, 2p, 4d या 3d? 79th. सेवेंटी नाइन्थ. शोहिब रिजवान, हर्षिल, बरखा वर्मा, व्लादिमिर. व्लादिमिर आईडी बाद में बता देना या बाद में ले लेना, फिलहाल आंसर दे दो. ठीक है, आंसर इज सी, 4d. नेम द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट. उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है. वेन, कैपिलरीज, प्लेटिलेट या आर्टरी? क्वेश्चन नंबर 80. 80. ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का. ठीक है, अगली क्लास आपकी कल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगी. ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी के लर्नर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो इंस्टॉल कर लेना. 1 PM पे क्लास है आपकी. ठीक है, और वहाँ पे आप मुझे मेरे नाम से फॉलो कर लेना. और सब्सक्रिप्शन जब भी लेना अनअकैडमी का, मेरा कोड वर्षा यूज़ करना. टेलीग्राम का चैनल है वर्षा सिंह ऑफिशियल, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको क्लासेस की लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन, PDF सारी चीज़ें मिलती रहें. ठीक है, तो सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है वेन, एंड वेन इज कर आर्टरी. यहाँ पे ब्लड बैक टू द हार्ट लिखा है. ठीक है, तो आंसर इज वेन, ए इज करेक्ट. डी नहीं होगा, ए होगा. सभी के लिए इतना ही था. ठीक है, अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर आपका रिपोर्ट सही रहा तो आपको उसके लिए प्राइज भी दिया जाएगा. अभी के लिए इतना ही था. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट. कल 1 PM अनअकैडमी ऐप. ठीक है, 1 PM पे कल क्लास होगी, हिस्ट्री का मॉक टेस्ट होगा. ठीक है, अभी के लिए इतना ही था. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर. और मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा था वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, मैं चेक करूंगी बाद में. ठीक है, बाय. सुमित, अभिषेक, आशुतोष, हर्षिल, देसी फ्रेंड, खत्री, मनीष शर्मा, संदीप कुमार, सभी को बाय, गुड नाइट. चलो, टाटा, बाय बाय.